सो स्पेरोटर देखिए स्पेरोटर बच्चों इसकी क्या यूज़ है स्पेरोटर देखिए बच्चों यहाँ पे स्पेरोटर मैंने ले लिया था इसका क्या यूज़ है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए स्पेरोटर मैंने सेपरेट वीडियो डाला था बच्चों लिंक लगाऊंगा देखिए लेंथी वीडियो हो जाएगा ये इसके लिए मैंने अभी नहीं बता रहा हूँ सो इसका लिंक बताऊँगा देखिए इसके अंदर स्पेरोटर चलिए इसके अंदर होगा अभी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेन ग्लास प्लेट एंड मैग्नीफाइड लेंस देखिए मैंने प्लेन ग्लास प्लेट लिया था यहाँ पर देखिए प्लेन ग्लास प्लेट मैग्नीफाइड लेंस वैल्यू देखने के लिए मैग्नीफाइड लेंस चलिए बच्चों तो इसका स्पेरो स्पेरोटर यूज़ करके इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे ओके okay? चलिए बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ होगी देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ होगी तो मैंने एक स्पियर लिया था ग्लास का एक स्पियर लिया था ओके राइट बच्चों देखिए ये था अपना सेंटर स्पियर का सेंटर मैंने कट कर दिया थोड़ा सा पीस थोड़ा सा पीस कट कर दिया तो यहां से जो होगा आपका जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चे देखिए दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला रेडियस देखें बच्चों इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कभी भी आपको बिना स्पीयर दिए रेडियस फाइंड आउट करना वेरी डिफिकल्ट ओके ये वाला न्यूटन रिंग्स न्यूटनिंग एक्सलेंट मेथड टू डिटरमाइन दी अननोन रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए आपको स्पीयर देंगे कुछ स्पीयर देंगे आप इजीली फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बिना स्पीयर दिए ये वाला पीस देंगे आपको छोटा वाला पीस तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इट्स वेरी डिफिकल्ट तो ये वाला मेथड एक्सलेंट है आपको एक्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने का ओके सो so ये वाला यहां से मतलब ये वाला जो पीस होगा अननोन है पता नहीं है आपको ये वाला कितना है तो बस इतना सा पीस दे दिए आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने का मेथड है ओके चलिए बच्चों बच्चों ये, बच्चो, बच्चो, ये फॉर्मला होगा अपना आर इक्व टू सो डायमीटर ऑफ एमथरिंग माइनस डायमीटर ऑफ एंथरिंग फोर इन टू लैंडा वेव आपको मोनोक्रोमैटिक लाइट सोडियम लाइट दिया उसका वेवलेंथ लेंथ और एमथरिंग माइनस एंथरिंग ये वाला इजी फार्मूला है आप इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे ओके okay? चलिए बच्चों ये था अपना टेबल सो नंबर ऑफ रिंग्स पहले वाला नेक्स्ट माइक्रोस्कोप रीडिंग लेफ्ट राइट एंड डाया ऑफ द रिंग एंड डी स्क्वायर होगा आपका चलिए बच्चों मैंने लिया था यहाँ पे 10 रीडिंग्स ट रीडिंग्स लेने वाले हैं सो अप टू ट्वेंटी रिंग तक ले लेंगे ट्वेंटी रिंग तो इसका पैटर्न कैसा बनेगा जब अभी भी ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जब भी आप एक ग्लास प्लेट पे लगाएंगे ओके okay? एक ग्लास प्लेट पे लगाएंगे देखिए बच्चों ग्लास प्लेट पे जब भी लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो भी होगा एयर से फिल होगा ये वाला पोर्शन होगा एयर से फिल होगा तो ऐसा वाला है देखिए बच्चों ऐसा है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है सो so, ये वाला पोर्शन होगा एयर से फिल होगा ओके okay? आपका थिन फिल्म होगा एयर तो आप होंगे तो आपको पैटर्न जो भी है रिंग्स आएंगे ब्लैक एंड डार्क रिंग्स यू विल गेट ओके सो यहाँ से आपको जो होगा लास्ट वाला जो लेंगे आप ट्वेंट रि ट्वेंटी रिंग का ट्वेंटी का रिंग से आप स्टार्ट करेंगे डायमीटर फिर ट्वेंटी पे एंड करेंगे मतलब ट्वेंटी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी राइट right पे एंड करेंगे इसके लिए मैंने टेबल लिया था लेफ़्ट साइड ट्वेंटी रिंग ओके okay. से लेके कर टू तक जाएंगे फिर वापस टू से लेके कर ट्वेंटी रिंग पे आएंगे चलिए बच्चों मैंने कंटिन्यू करा था कंटिन्यूएशन क्यों पैरलैक्स एरर आएगा आपको एरर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप फर्स्ट जो चीज़ होगा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ये देखिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जैसे कैसा है? ये देखें ओपन करेंगे यहाँ पे एक एक की रहेगा देखिए यहाँ पे मैंने ओपन करा देखिए मैंने ओपन करा है तो ये ट्रैवलिंग है इजीली ट्रैवल हो रहा देखिए दिस इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ओके माइक्रोस्कोप कहाँ पे लगा हुआ यहाँ पे लगा हुआ माइक्रोस्कोप ये देखिए इसके अंदर बहुत चीज़ है आई पीस है इसके अंदर इसके घुमाने के लिए आई पीस घुमाने के लिए ये देखिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप को घुमाने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू है इसको घुमाने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू है दोनों स्क्रू है ओके okay? पहला सेटअप जो भी है आप यहाँ पे रख दीजिए और ये इस पर टाइट कर लीजिए ओके okay? टाइट करना है देखिए यहाँ पे मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा आपका मूवमेंट कौन सा मूवमेंट हो रहा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे हो रहा ये देखिए सो so, यहाँ पे माइक्रोस्कोप ये प्लेटफॉर्म पर हो रहा नहीं हो रहा देखिए आपका मैं फिंगर लगाया था फिंगर पेंट सेंसेशन हो रहा इट्स अ मूवमेंट ऑन लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पे मूवमेंट हो रहा तो देखिए आप दिख रहा थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट होता है यहाँ पे ओके okay? थोड़ा सा मूवमेंट होता है यहाँ पे लेफ़्ट साइड ओके मैं अगर लूज़ करूँगा लूज़ करूँगा तो इधर साइड होगा राइट right साइड अगर इन केस आपको ऐसा नहीं लग रहा मूवमेंट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये जो बटन होगा आपका ओपन होगा ओके okay, जब आप टाइट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड घूमेगा यूजिंग दिस स्क्रू स्क्रू आप घुमाएंगे तो राइट साइड लेफ़्ट साइड घूमेगा ओके okay? कभी कभी बच्चे क्या करते न्यूटरिंग्स सेट कर देते न्यूटनिंग्स आ जाते लेफ्ट साइड मूवमेंट होगा मगर राइट साइड आएगा नहीं पूरे रीडिंग आधार रीडिंग निकालेंगे तो बेकार हो जाएगा अपना ओके okay? पूरा एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाएगा इसके लिए पहले सेटअप जो भी है सो मूवमेंट मूवमेंट देखना है सो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो माइक्रोस्कोप मूवमेंट है लेफ्ट साइड और राइट साइड घूम रहा नहीं घूम रहा देखिए स्क्रू कितना कितना लेंथ रहेगा देखिए आप दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रू कितना लेंथ रहेगा देखिए मैंने स्क्रू ओपन कर रहा हूँ देखिए मैंने स्क्रू पूरा ओपन करा देखिए आप घुमाएंगे तो तो इतना इतना रॉड का लेंथ इतना दिख रहा है आपको मगर इतना नहीं रहेगा इसक्रू देखिए आप घुमाने से बाहर निकल जाएगा ये सो देखिए इसका लेंथ देखिए बहुत छोटा लेंथ है यहाँ so, पर देखिए मेरा लेंथ हो गया छोटा सा मतलब देखिए हो गया लेंथ छोटा सा वाला लेंथ ओके सो so, इतना सारा नहीं है रॉड दिख रहा आपको इतना सारा मगर लेंथ होगा आपका इतना ही है तो मूवमेंट प्लेटफॉर्म इतना ही होगा आपका मूवमेंट ओके सो so, प्लेटफॉर्म के ऊपर माइक्रोस्कोप इतना मूवमेंट रहेगा मैं लगाया थोड़ा सा फ़िट कर लिया ओके ओपन करिए इसको थोड़ा सा फ़िट कर लिया बस मैंने थोड़ा लगाइए क्यों आप जब भी ओपन करेंगे तो प्लाटफॉम इधर मूव होगा इधर मूव होगा थोड़ा सा टाइट करना चाहिए मैंने टाइट कर लिया क्योंकि मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक आना है थोड़ा टाइट कर लिया और थोड़ा टाइट कर लिया इसके बाद में आप बस सेंटर पर रख दीजिए स्क्रू सेंटर पर रख दीजिए और ये वाला बटन जो भी है टाइट कर लीजिए ओके बच्चे टाइट कर लिए देखिए अभी मैं मूवमेंट करूँगा तो राइट साइड प्लेटफॉर्म मूव होगा देखिए राइट साइड मूवमेंट होगा कितना मूवमेंट होगा दिस दिस मच इज अवमेंट ओके ये वाला लेंथ मूवमेंट होगा आपका ये वाला लेंथ लेफ्ट साइड में मूवमेंट होगा सो मैं ओपन करूँगा तो मैंने क्लोज़ करा था ऑलरेडी तो इतना सा लेंथ क्लोज करा था वो लेंथ इधर साइड आ जाएगा देखिए इतना साइड लेंथ इधर साइड आ जाएगा बस ये था प्राइमरी सेटिंग देखिए मैं मैं क्लोज़ कर रहा हूँ तो प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड में मूव होगा देखिए मैं क्लोज कितना लेंथ मूव होगा इतना लेंथ मूव होगा ओके मैं ओपन करूँगा तो प्लेटफॉर्म मूव होगा तो कितना लेंथ मूव होगा मैंने अंदर जो रखा था वो उतना लेंथ मूव होगा बस ये वाला चीज़ अपने पहले 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 सेटिंग में रख दीजिए ओके ये वाला सेटिंग था चलिए ये वाला मैंने प्लेटफॉर्म दिखाया था ये वाला प्लेटफॉर्म देखिए आप ये वाला माइक्रोस्कोप के ये इसके अंदर भी है आपके अंदर ये देखिए ये वाला मेन स्केल है ये वाला वेरनीयर स्केल है मेन स्केल और वेरनीयर स्केल यहाँ पे भी आपको दिखेगा मेन स्केल और वेरनीयर स्केल यहाँ पे भी दिखेगा आपको मेन स्केल और वेरनीयर स्केल चलिए यहाँ पे भी मेन स्केल और वेनियर स्केल दिख रहा सही है ना बच्चों मेन स्केल और वेनियर स्केल सो so, आप देखेंगे तो मेन स्केल वेनियर स्केल ये दो मूवमेंट होगा आपका तो मैं ऐसा वाला मूवमेंट कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा आपको सो so, ऐसा वाला मूवमेंट दिखेगा देखिए मूवमेंट मतलब इससे कुछ भी यूज़ नहीं है आप यहाँ पर मेजर करना अभी एक्सपेरिमेंट पर इधर से रीडिंग नहीं ले रहे आप इधर से रीडिंग ले रहे हैं आप ये वाला मेन स्केल और ये वाला वेनियर स्केल से रीडिंग ले रहे हैं आप ओके सो ये वाला यूज़ करिए ये वाला जो भी है क्लोज़ करिए आप ओके ये वाला क्लोज़ करके रख दीजिए टाइट कर दीजिए पूरे स्क्रूज जो भी है होगा ये देखिए एक माइक्रोस्कोप है चलिए अभी सेटिंग करेंगे इसका यूज़ क्या है इसका यूज़ क्या है ओके जो आपका ये ग्लास प्लेट रहेगा प्लेन ग्लास प्लेट प्रॉपरली क्लीन करिए ओके कपड़ा लेके प्रॉपरली क्लीन करिए डस्ट रहेगा तो रिफ्लेक्शन सही नहीं होगा ओके ये वाला जो आपका लेंस ये ग्लास प्लेट होगा जब भी आपका सोडियम लाइट यहाँ पे गिरेगा तो टर्न होना चाहिए किधर टर्न होना चाहिए सो सोडियम लाइट जो भी है स्ट्रेट आएगा ओके okay? आपका लाइट चाहिए इधर क्यों आपका पूरा सेटिंग इधर है ओके okay? ये वाला सेटिंग क्या है ये वाला सेटिंग जो भी है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेन ग्लास एक प्लेटफॉर्म देखिए ब्लैक वाला प्लेटफॉर्म है सिल्वर कलर नहीं यूज़ करना है क्यों रिफ्लेक्शन लाइट इधर से ज़्यादा होगा तो ट्रांसमिटेड जो लाइट होगा उसको अब्ज़ॉर्व करना है तो इसके लिए आपके ब्लैक प्लेटफॉर्म जो भी है यूज़ करेंगे अगर सिल्वर कलर यूज़ करेंगे नहीं अदर कलर यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी आपको रिफ्लेक्ट होगा तो पाथ डिफरेंस नहीं आएगा तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न सही नहीं दिखेगा ओके ब केयरफुल सो ये क्या करेंगे आप प्योरली ले ब्लैक ले लेंगे उसके ऊपर ग्लास प्लेट उसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा पता चलेगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस देखिए बच्चों ये वाला जो भी है दोनों साइड प्लेन दिख रहा है आपको हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस देखिए मैंने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा इधर करके दिखा रहा हूँ आपको देखिए ये वाला जी ये आ, कौन सा साइड आपका कर्व है देखिए मैंने घुमा दिया तो ईज़िली फ्रीली घूम रहा मतलब उस साइड जो भी है कर्वड है मैंने देखिए इधर इस इस साइड मैंने घुमाना शुरू करा देखिए स्टिकी है मतलब इतना फ्री घूम रहा नहीं है मतलब इसका मतलब दैट साइड इज़ अ प्लेन साइड ओके मैं फिर से बताऊंगा इस साइड मैंने घुमा दिया इस साइड रखा ग्लास प्लेट के ऊपर प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर घुमा दिया देखिए फ्रीली घूम रहा देखिए ऑब्जर्व करिए फ्रीली घूम रहा है इसका मतलब दैट साइड इज़ अ करोड सरफेस ओके सो मैंने फिर वापस इधर रखा मैंने घुमाने की कोशिश करा देखिए तो उतना घूम रहा नहीं है फ्रीली घूम रहा नहीं है मतलब इस साइड प्लेन है मतलब जो कर रहेगा कर ग्लास प्लेट के ऊपर लगाना है आपका काम फिर से चेक कर लीजिए कर ग्लास प्लेट के ऊपर लगा दिया मैंने घुमा दिया देखिए फ्रीली मूवमेंट हो रहा फ्रीली मूवमेंट मतलब क्या होगा ये ग्लास प्लेट और ये करूड सरफेस इसके अंदर जो भी है एयर आ गया अभी मतलब एयर फिल्म वी आर सेइंग एयर फिल्म एयर फिल्म आ गया जो भी रिफ्लेक्टेड राइट रहेगा ये एयर फिल्म से रिफ्लेक्ट होगा तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ओके okay? आप ऐसा लगाएंगे तो आपको कभी भी न्यूटन रिंग्स नहीं मिलेंगे क्यों एयर फिल्म बना ही नहीं है इसके अंदर तो कभी भी पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा तो ब्राइट एंड डार्क नहीं मिलेगा आपको कंडीशंस ओके okay? कभी भी एयर फिल्म बनाना है तो एयर फिल्म बनाना तो करोड़ सरफेस ग्लास प्लेट के ऊपर लगाना है तो देखिए अब करो एयर फिल्म इसके अंदर बन गया बहुत पतला सा है आप जूम करके देखेंगे इसके अंदर तो बतलाएगा आपको बताऊंगा मैं एनिमेटेड में ओके okay? सो so ये देखिए एयर फिल्म बन गया एयर फिल्म जब भी लाइट आएगा किधर से आएगा इधर से आएगा तो हम क्या करेंगे ये वाला लेंस जो भी है फॉर्टी एंगल पर लगाएंगे ये वाला लेंस मतलब प्लेन ग्लास प्लेट फार्टी फाइव लगाएंगे अगर आप फ्लॉर्टी फाइव लगाएंगे आधा लाइट जो भी होगा इधर रिफ्लेक्ट होगा आधा लाइट जो भी है ट्रांसमिट होगा तो आधा लाइट तो मिल रहा ना आपको आधा इंटेंसिटी तो मिल जा रहा आपको इधर ओके लाइट इधर आएगा और रिफ्लेक्ट इधर होगा तो इधर आपको लाइट मिल जाएगा आप इधर लाइट मिलने से आपको क्या होगा आधा लाइट जो भी होगा थोड़ा सा लाइट क्या होगा ऊपर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा ओके प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा नीचे के कर्व्ड सरफेस से और थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट होगा एंड रिमेनिंग लाइट जो भी है प्लेन ग्लास के टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा तो इससे आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा ब्राइट एंड डार्क मतलब सुपर पोजिशन ऑफ लाइट होगा तो so, कहाँ से कहाँ होगा आप ये ऐसा लगाएंगे सेटिंग इसके नीचे मतलब इसके बीच में आपको जो भी होगा इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा सुपरपोजिशन बन जाएगा सो लाइट इंटेंसिटी इंटेंसिटी जो भी है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओके ब्राइट एंड डार्क के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये था अपना प्राइमरी सेटिंग चलिए बताएंगे लाइट ऑन करेंगे और थोड़ा सा सोडियम लाइट थोड़ा सा स्टार्टिंग कैसा रहेगा कैसा चेंज हो जाएगा तो ये देखेंगे बच्चे जब भी पूछते हैं क्यों सर आप सोडियम लाइट यूज़ करना है क्यों मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करना है क्यों भी इसके इसके प्लेस में आप ये लगा सकते हैं ना वाइट लाइट लगा सकते हैं नहीं अदर कलर लगा सकते सोडियम लाइट जो भी होगा आपको ऑरेंज कलर आएगा सो so, बच्चे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे सो so, इसके अंदर पूरा पूरा क्लियर करेंगे ओके सो चलिए बच्चों सो so, क्लियर करेंगे देखिए बच्चों मैं ऑन करा था तो पहला जो भी है ऑरेंज कलर आएगा देखिए ऑरेंज कलर तो इसका शेप इसका कलर जो भी है बदलते जाएगा जब भी आप आ, हीट होगा फिल्मेट तो गैस एवोपरेट होगा तो सोडियम डार्ट्स जो भी हो गए, हीट होंगे तो एवापरेट होगा देखिए बच्चों आपका देखिए मैंने ये ग्लास प्लेट लिया था मैंने 45 डिग्रीस डिग्रीज लगाना है ओके लगाने से पहले अच्छी तरह आप ये वाला लेंस क्लीन करिए क्लींस करिए अगर लेंस क्लीन नहीं करे तो आपका जो रिंग का सा एग्जैक्ट शेप होगा ना वो शेप सर्कुलर नहीं आएगा ओके लेंस पे डस्ट रहेगा तो आपका रिंग का साइज़ रिंग का मतलब साइज़ नहीं बोल रहा हूँ रिंग रिंग का शेप जो होगा ना जो रेस शेप होगा एक्जैक्टली सर्कुलर नहीं आएगा थोड़ा सा बेंड होकर आएगा तो यही बात है आप इस लेंस के ऊपर डस्ट और इस लेंस के ऊपर डस्ट और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डस्ट पूरा सा पूरा क्लीन करना चाहिए आप ओके क्लाथ लेके यूज़ करके पूरा क्लीन करना चाहिए चलिए सो मैं क्लीन करके आपको दिखाऊँगा चलो बच्चों मैं न्यूटर्निंग सेट करने के लिए आ, तो माइक्रोस्कोप की सेटिंग तो पहले बताया था मैं तो अभी न्यूटर्निंग सेट करने के लिए मैं ये जो ग्लास प्लेट होगा आपका सो तो ये ग्लास प्लेट मैंने 45 फाइव डिग्रीज पर लगाना है ये ग्लास प्लेट 45 फाइव डिग्रीज़ पर लगाना है कैसा लगाना है आपको 45 फाइव डिग्रीज़ देखिए बच्चों ये वाला नाइन्टी डिग्रीज़ है एग्जैक्टली exactly, देखिए ये वाला नाइन्टी है आपको पता है इमेजिन करिए ये वाला फोर्टी ओके मैंने इमेजिन करा ये वाला फोर्टी फाइव देखिए मैंने वाला ये वाला फोटी लगाया तो यहाँ पे टाइट करूँगा मैं जो स्क्रू होगा आप टाइट कर लूँगा और दिखाऊँगा आपको देखिए मैं टाइट करके दिखाऊँगा देखिए बच्चों मैंने टाइट कर लिया और जो भी है ये ये वाला माइक्रोस्कोप है ना एक्जैक्टली इसके नीचे आपका ये ये जो भी है ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एग्जैक्टली सेंटर पे आना चाहिए ओके कैसा पता चलेगा सेंटर पे आया नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हैं आप इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे तो एक्जैक्टली सेंटर पर लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मूवमेंट कर लिया हमें सेंटर पर लगा रहा दिख रहा मेरे को सेंटर पर है फिर भी कन्फर्म करना है आपको तो ये काम करेंगे थोड़ा सा पेपर पीस लेंगे उसके ऊपर एक लेटर लिखेंगे हाँ बच्चों देखिए बच्चों मैंने सेंटर गेस्ट करने के लिए मैंने क्या करा एक पेपर लगाया था उसके ऊपर एक वर्ड लिखा था वो जो भी होगा सो इसके अंदर दिख रहा नहीं है आ रहे हो अभी इसमें से दिखेगा ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से दिखेगा दिखाऊंगा आपको ओके अभी दिखाऊंगा मैं जो भी है सेटिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगा तो क्या दिखा मेरे को देखिए मैंने जरा ऊपर नीचे करा था तो इसके अंदर तो दिखाया आपको दिखाऊँगा ये वाला जो होगा आर क्लियरली दिखेगा आप देखिए दिखे? आर आपका दिखेगा सेंटर में तो क्रॉस लाइंस जो भी होगा क्रॉस लाइन दिख रहा है आपको देखिए बच्चों मैं क्रॉस लाइंस लिखाने के लिए कोशिश करूँगा इसके अंदर आपके आर जो भी होगा देखिए क्रॉस लाइन सो so, ये जो होगा आर पे सेंटर पे आ गया देखिए मतलब ये वाला माइक्रोस्कोप एग्जैक्टली यहाँ पे फोकस कर रहा देखिए मैं अभी पेपर निकालूंगा तो इतना सा हाइट कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको फोकल लेंथ सेट करने के लिए मैंने पहली बात होगा मैं पेपर लगा के इसका इसका वाला सेंटर इस पर लगा दिया और नेक्स्ट जो भी है इसका फोकल लेंथ मतलब माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ जो भी है सेट कर लिया दो चीज़ कर लिया मैंने तो अभी निकालूंगा भूक मार के निकाल दूंगा ओके सो पेपर निकल गया अभी लगाऊंगा इसके नीचे लेंस अभी मैंने इमेजिन करा था ये 45 फाइव डिग्री है क्यों अब लाइट इधर से आएगा इधर से आएगा आपका लाइट ओके यहाँ पर आएगा तो आधा सा लाइट इधर चले जाएगा और इंटरफेरेंस पैटर्न इसके बीच में बनेगा इसके बीच में बन जाएगा आपका देखेंगे आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा नहीं बन रहा देखिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए किसको चेंज करना है फोकल लेंथ को चेंज नहीं करना है आप आप इसको चेंज करना है तो 45 फाइव एग्जैक्टली फॉर्टी डिग्री से बन जाएगा तो न्यूटरिन्स आ गया मेरे पास तो मैं नंबर ऑफ टाइम्स कर रहा था इसके लिए मेरे को आराम से आ गया तो जब न्यूटरनिंग्स बन जाएंगे तो उसको सेंटर में लेकर कोशिश करेंगे नए एंगल चेंज करिए तो कुछ तो भी आप न्यूटरिंगस पे सेट करिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ सो जो भी होगा ब्राइट दिखना चाहिए तो ये जो वाला लेंस जो भी होगा एक्जैक्टली exactly लगाना चाहिए देखिए मैंने लगा दिया न्यूटन रिंग्स को सेंटर पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैंने प्लेटफॉर्म पर हाथ लगाया सो मैंने न्यूटन रिंग्स को सेंटर पर लगा लिया देखिए बच्चों सेंटर पर लगा लिया तो मेरे पास ब्राइट रिंग्स आ गया देखिए बताऊंगा आपको मैं ब्राइट रिंग्स कैसे आ गए चलिए बच्चों बता रहा हूँ मैं फोकस देखिए बच्चों आगा देखिए फोकस कर रहा आपको आ गए ना आपके रिंग्स चलिए रिंग्स आ गए तो ये कैमरा से सही दिख रहा नहीं है फोकस नहीं हो रहा मगर आप देखेंगे तो तो मैं फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर दूँगा यहाँ पे आपके नोट रिंग्स चलो बच्चों चलो बच्चों अभी इसका लिस्ट कौन फाइंड आउट करेंगे ओके पहले कौन से भी इंस्ट्रूमेंट पर जाएंगे तो पहला आप पहली फुर्सत में लिस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे चलिए बच्चों अब मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा था लिस्ट काउंट का लिस्ट काउंट टू वन मेन स्केल डिवीजन एम एस डी का मतलब क्या होगा वन मेन स्केल डिवीजन बाई टोटल वेरनीयर स्केल डिवीजन वी एस डी है ये एन एस डी नहीं है वी एस डी है ये टोटल वेरनीयर स्केल डिविजन्स चलिए बच्चों मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल यहाँ पे देखिए ऑपरेटर पे आइए ये वाला है आपका मेन स्केल चलिए ये वाला है आपका वेरनीयर स्केल तो इनको चाहिए वन मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या होगा देखिए ये वाला ये वाला ये वाला, वाला क्लियरली दिखाऊंगा आपको देखिए बच्चों सो so, ये वाला मैंने फोर और फाइव यहाँ पर जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं देखिए बच्चों यहाँ पे फोर है सही है ना यहाँ पर फाइव है मतलब ये पूरा एक यूनिट हो गया थ्री और फोर एक यूनिट हो गया टू और थ्री एक यूनिट हो गया एक यूनिट का मतलब क्या है ये वन सेंटीमीटर हो गया चाहिए ना वन सेंटीमीटर मतलब जो भी होगा आपका रीडिंग सेंटीमीटर पे है यहाँ पे लिखा हुआ था सेंटीमीटर में होगा आपका देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे का एटीन है आखिरी में थोड़े इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ था यहाँ पे इधर लेफ्ट पे देखेंगे सर्च करेंगे इधर सेंटीमीटर पे टेक्सला वालों का कुछ सेंटीमीटर लिखा हुआ नहीं जनरली होता है सेंटीमीटर पे ओके चलिए बच्चों हम पे ये वन मेन स्किल का डिवीजन होगा आपका ये जो होगा आपके ये और ये वाला लाइन और ये वाला ये वाला लाइन और ये वाला ये वाला लाइन में कितना डिफरेंस रहेगा देखिए बच्चों मैंने लिया था यहाँ पे यहाँ एट से लेके सेवन तक ट्वेंटी लेंस रहेंगे पूरे कितने लेंस रहेंगे बच्चों ट्वेंटी लाइंस काउंट करिए यहाँ से एक बार रिज्यूम करके काउंट करिए पूरे पूरे ट्वेंटी लाइन्स रहेंगे ये बड़े वाले टेन और इस बीच बीच वाले टेन होंगे ट्वेंटी होंगे तो यहाँ से यहाँ काउंट करिए बच्चों नाइन से लेके एट तक आपको जो भी होगा सो so ट्वेंटी लाइन्स रहेंगे ओके बच्चों ट्वेंटी लाइंस रहेंगे मैं जूम करके कोशिश कर रहा हूँ देखिए आप देख सकते हैं आप जूम करके देखिए ये वाला बड़े वाले और छोटे वाले जो लाइन होगा ट्वेंटी लाइन्स रहेंगे यहाँ पर काउंट करके देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये वाला बड़े वाले टेन है और उसके बीच में वाला टेन है पूरे कितने रहेंगे ट्वेंटी लाइन्स मतलब एक सेंटीमीटर के लिए कहाँ किधर भी देखिए आप टेन और नाइन के बीच में ट्वेंटी होंगे एट और सेवन के लिए ट्वेंटी होंगे सेवन और सिक्स के लिए ट्वेंटी होंगे मतलब एक सेंटीमीटर के लिए ट्वेंटी लाइन्स यहाँ पर रहेंगे मेन स्केल डिवीजन में सो ट्वेंटी लाइन्स है एक सेंटीमीटर के लिए मतलब आपको चाहिए एक और एक ला, एक दो लाइन में कितना डिफरेंस है मतलब एक छोटा वाला एक बड़ा वाला में एक छोटा वाला बड़ा वाला में कितना डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड वन मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे आइए तो फार्मूला होगा आपका वन मेन स्केल डिवीज़न बाई टोटल वेरनी स्केल डिविजन्स मैंने कैसा निकाला था वन मेन स्केल डिवीज़न मैंने दिया था यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग के अंदर वन मेन स्केल डिवीजन मैं निकाल रहा हूँ अभी वन मेन स्केल डिवीज़न चलिए बच्चों वन मेन स्केल डिवीजन निकालेंगे वन मेन स्केल सो वन सेंटीमीटर के लिए ट्वेंटी लेंस आपके पास है कितने लिए ट्वेंटी लाइन्स थे तो आप दिखाया था मैं सेवन और एट के बीच में जो भी होगा आपका कितने लाइन्स थे ट्वेंटी लाइंस थे एक बड़ा वाला छोटा वाला बड़ा वाला छोटा वाला बड़ा वाला छोटा वाला तो आप करते जाएंगे तो कितने रहेंगे पूरे ट्वेंटी लाइन्स रह गए आपको तो देखिए आप ट्वेंटी लाइन्स रह गए ट्वेंटी लाइन्स रह गए आप ओके ये पूरे पूरे कितने रहेंगे ट्वेंटी लाइन्स मैंने लिखा था यहाँ पर ट्वेंटी लाइन्स पर वन सेंटीमीटर तो वन लाइन के लिए हाउ मेनी सेंटीमीटर्स यू हैव हाँ? तो मैंने निकाला था वन डिवाइड बाई ट्रास मल्टीप्लेशन निकाला था वन डिवाइड बाई ट्वेंटी मतलब जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर कैलकुलेटर में डाल के देखिए आप जीरो पॉइंट जीरो सेंटीमीटर मतलब एक लाइन और एक लाइन का जो गैप होगा ना कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर किधर भी देखिए आप इधर भी देखिए एक लाइन और एक लाइन के बीच में जो गैप होगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर चलिए अपने फार्मूला में जो होगा वन मेन स्केल डिवीज़न आ गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटी सेंटीमीटर्स चलो टोटल वेरनीर स्केल डिवीजन चलिए बच्चों यहाँ पे टोटल वेनियर स्केल डिवीजन दिखाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे होगा आपका वेरनीयर स्केल डिविजन्स देखिए यहाँ पे कितने यूनिट्स थे फाइव यूनिट्स थे एक यूनिट में टेन लाइन्स है आपके पास कितने थे यहाँ देखिए काउंट करिए यहाँ पर जुम करूँगा अभी देखिए आप बच्चों काउंट करिए जूम करेंगे तो ये देखिए टेन लाइन्स है यहाँ पे दिख रहा ना आपको सो so, मैंने देखिए टेन लाइन्स है यहाँ पे यहाँ तक टेन काउंट करिए बच्चों टेन लाइन्स है टेन लाइंस है टेन लाइंस है टेन लाइंस है टेन लाइंस है पूरे कितने थे फिफ्टी थे यहाँ तक फाइव का मतलब पॉइंट फाइव दिख रहा ना आपको फिफ फाइव यूनिट्स है यहाँ पे मतलब फिफ्टी लेंस है पूरे काउंट करके देखिए आप फिफ्टी लेंस है मैंने इसके लिए ये वाला फार्मला में मैंने लिया था फिफ्टी बच्चों देखिए फिफ्टी लिया था पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फिफ्टी पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फिफ्टी लिया था मैंने कितना आया था डिवाइड करा तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर ये क्या था लिस्ट काउंट था मतलब ये इंस्ट्रूमेंट के लिए आपका जो लिस्ट काउंट जो कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं आप तो कितना रहा आपको लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन सेंटीमीटर्स सही है ना बच्चों जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर देखिए याद रखिए बच्चों आप हर हर माइक्रोस्कोप सेम लिस्ट काउंट नहीं रहेगा तो अक्सर ज़्यादातर माइक्रोस्कोप जो होगा यही लिस्ट काउंट होगा कभी कभी चेंज होगा मतलब इससे ज़्यादा होगा ये वाला कम आप मेज़र कर सकते मतलब 0.001 सेंटीमीटर तक ये इंस्ट्रूमेंट पे मेज़र कर सकते ये है इतना ख़ासियत इसकी माइ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की चलिए बच्चों ये वाला डिस्काउंट फाइंड आउट करिए अभी वैली पे जाएंगे तो किधर से लेना है कैसे लेना है तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है ये था रिंग्स अपने रिंग्स फार्म हो गए देख लिए आप ब्लैक और डार्क और फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे आ गए आपके ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क करके तो हमारा कॉन्सेप्ट था सो सो माइक्रोस्कोप इधर से मतलब प्लस सिंबल जो माइक्रोस्कोप आप घुमाएँगे प्लस सिंबल जो दिखेगा आपको प्लस सिंबल इधर से घुमा के यहाँ पे जो भी होगा ट्वेंटी एथ पर ले करके लगाना है तो मैं बच्चों एर्रर थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगा ट्वेंटी वन लाइन पर एक बार ट्वेंटी वन रिंग पे एक बार लेके जाऊँगा ओके तो फोकस करूँगा फिर वापस लेके आएंगा तो इससे क्या होगा पैरालेक्स एरर थोड़ा सा रहेगा थोड़ा सा भी एर्रर क्लियर हो जाएगा मतलब आप जो भी क्रॉस लाइन लगा रहे किस पे लगाना है पहले सो ट्वेंटी एथ रिंग पे लगाना है चलिए बच्चों यहाँ पे लगा के देखेंगे ट्वेंटी एथ लाइन करके दिखा रहे हैं अभी सो so, माइक्रोस्कोप जो भी होगा आपको सो राइट साइड घुमाएंगे ओके सो लेफ्ट राइट राइट साइड घुमाएंगे तो लेफ़्ट मूव होगा हाँ चलिए बच्चों सर ने साइड घुमा रहे अभी अगर लेफ़्ट साइड अपने तरफ मतलब स्क्रू जो भी होगा अपने तरफ घुमाओगे तो दिखेगा आपको इसके अंदर ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में होगा ना तो अपना ये क्रॉस सिंबल जो भी होगा लेफ़्ट में ट्वेंटी पे लगा रहे अभी सर यहाँ पे लगा के दिखाएंगे आपको तो आपको दिखेगा देखिए दिखे आप मैं घुमा रहे स्लोली घुमाना है देखिए मैं आप देख लेना है पहला सेटिंग दिखाया था मैंने स्क्रू का कैसा सेटिंग करना है यहाँ पे ओके सो तो लेफ्ट में ट्वेंटी पे लगा के दिखा रहे हैं आपको दिखाएंगे आपको एक मिनट देखिए बच्चों मैं ट्वेंटी लेफ्ट साइड का रीडिंग निकाल रहा हूँ देखिए कैसे निकालेंगे तो अभी होगा ये मेन स्केल रीडिंग निकालना है पहले देखिए बच्चों मैं मेन स्केल रीडिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए ये वाला जो होगा आपका रेफरेंस होगा वर्नियर का जो एरो होगा रेफरेंस होगा देखिए ये ये होगा आपका टेन पॉइंट फाइव सिक्स सेवन पे एग्जैक्टली exactly सेवन पे है देखिए जूम करके देखेंगे कोई जूम करके देखेंगे तो ये होगा सेवन फाइव आ गया टेन पॉइंट सेवन फाइव ओके बच्चों देखो बच्चों मैंने डाल दिया टेन पॉइंट सेवन फाइव मेन स्केल रीडिंग अभी इसके अंदर वेरनीयर स्केल रीडिंग निकालेंगे क्या निकालेंगे बच्चों वेरनीयर स्केल रीडिंग निकालेंगे देखिए वेनियर कहाँ से निकालना है देखिए अभी वेरनीयर स्केल निकालने के लिए बहुत मुश्किल होती है क्यों यहाँ पे जो आपका कोइंसिडेंस देखना है पूरे 50 लाइन्स में देखना है 50 लाइन्स कैसे देखोगे फर्स्ट लाइन देखिए तो एग्जैक्टली exactly मैच हुआ नहीं हुआ सेकेंड लाइन मैच हुआ नहीं हुआ थर्ड लाइन मैच मतलब फिफ्टी लाइन में एक ही लाइन मैच होगा एग्जैक्टली exactly इसका ऊपर वाला और नीचे वाला ओके okay? देखिए मैं वीडियो में कांस्टेंट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अब आप फाइंड आउट करके बताइए कौन सा लाइन एग्जैक्टली मैच हो रहा बताइए ना आप तो इसको क्या करिए आप स्क्रीन लीजिए और एग्जैक्टली exactly कौन सा मैच हो रहा आप बता के देखिए एक्जैक्टली exactly का मतलब हो गया आप ये एरो था आपका देखिए बच्चों ये था अपना एरो सही है ना ये था अपना एरो ओ स्केल का एरो था तो यहाँ पे कुछ मैच हो रहा आपको टेन पॉइंट यहाँ पे एरो और ये लाइन शुरू हो गया आपके वेनियर के वनीयर के लाइन जो भी शुरू हो गए ऐसा ले लिया मैंने कुछ थोड़े लाइन ले लिया थोड़े लाइन ले ले रहा हूँ मैं ओके सो सही है आपका चलिए यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ये वन होगा टू थ्री टू थ्री फोर फाइव ले लिया फाइव लाइन्स ले लिया सपोज इमेजिन तो आपके मेन स्केल के रीडिंग ऐसे भी है तो वन ईयर में पूरे सेम साइज़ रहेंगे सही है ना सही है ना भाई सेम साइज़ रहेंगे तो मेन स्केल में रहेंगे आप एक छोटा एक बड़ा रहेगा एक छोटा बड़ा रहेगा छोटा बड़ा रहेगा तो एग्जैक्टली exactly देखिए ये वाला एग्जैक्टली exactly मैच हो गया देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब कितना डिफरेंस रहेगा आप जूम करके देखेंगे तो इतना डिफरेंस रहेगा तो ये एग्जैक्टली exactly मैच नहीं है तो ऐसा रहेगा तो भी मैच नहीं है थोड़े लाइन से इतना गैप रहेंगे तो एग्जैक्टली exactly इतना मैच होगा तो उसके लिए सर्च करना है कौन से रीडिंग वेनियर पे सर्च करना है कौन सा वाला एग्जैक्टली मैच हो रहा है थोड़ा सा गैप यहाँ पे मैंने स्ट्राइट लाला था थोड़ा सा गैप रहेगा ये तो स्ट्राइट हो गया सपोज इमेजिन करिए यहाँ पे सेकंड वाला लाइन ला एग्जैक्टली मैच होगा मतलब क्या होगा वेनियर का स्केल जो भी होगा टू कहाँ तक होगा यहाँ पे फिफ्टी लाइन्स है पूरे कौन सा भी एक मैच एक लाइन जो भी है एग्जैक्टली मैच होगा जो सर ने अभी बताया था थर्टी लाइन मैच हो रहा अभी देखेंगे हम थर्टी फाइव लाइन मैच हो रहा है यहाँ पे देखेंगे थर्टी फाइव लाइन मैच हो रहा नहीं है देखिए थर्टी के बाद में फिफ्थ लाइन देखिए नहीं मैच नहीं हो रहा तो गैप दे, गैप देखिए कितना बड़ा है देखिए बच्चों थर्टी सेवन्थ लाइन एग्जैक्टली मैच हो रहा है आपको हम लोग जो भी है फोटो निकल के जूम करके देखे थे आप भी आपको भी दिखाऊंगा सो बाजू में थर्टी सेवन्थ लाइन इज़ एग्जैक्टली मैचिंग ओके वट इज़ द लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट हमने लिया था ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन चलिए कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर पे तो कितना आएगा ये जो जो भी आएगा लेफ़्ट ट्वेंटी का रीडिंग आएगा जो टोटल रीडिंग होगा जो किसका है वो ट्वेंटी का रीडिंग चलिए कैलकुलेट करके बताइए मेरे को कितना होगा चलिए बच्चों हमारे को जो आएगा टेन पॉइंट सेवन एट सेवन कैलकुलेशन करा था तो अभी कैलकुलेट करिए आपको भी आ गया होगा कोई देखेंगे नेक्स्ट वाला ये था ट्वेंटी लेफ़्ट था तो आप टेबल में डालेंगे देखिए बच्चों ये टेबल में अगर आप टेबल में देखेंगे तो टेन पॉइंट एट सेवन सेवन एट सेवन होगा टेन पॉइंट मैंने लिख रहा हूँ टेन पॉइंट एट सेवन एट सेवन देखिए बच्चों मैंने ये वाला रीडिंग जो होगा आपका सो टेन पॉइंट सेवन एट सेवन मैंने माइक्रोस्कोप रीडिंग में लेफ्ट में लगाया था वो वाला रीडिंग सो so माइक्रोस्कोप रीडिंग में लेफ्ट वाला लगाया था मैंने क्लियर सो so, अभी जाएंगे एटीनथ लेन पे अभी जाएंगे एटीनथ लेन पे चलिए देखिए बच्चों मैंने मूव करा था और ये जो भी होगा सो न्यूटन न्यूटर्निक जो भी है एटीनथ लाइन पे लगाया था अभी रीडिंग निकालेंगे एटीन लाइन पे चलो बच्चों ये सेट पे देखेंगे एटीनथ लाइन पे क्या कुछ मेन स्केल में डिफरेंस आएगा कुछ वेरियर स्केल में डिफरेंस आएगा अभी देखेंगे जूम करेंगे कोशिश करेंगे देखेंगे नहीं तो फ़ोटो लगा दूँगा आपके बाजू में ओके मैंने कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर जूम करने की ये देखिए बच्चों ये देखिए ये आ, ये अलग सा कंडीशन है देखिए सेवन फाइव से हट के थोड़ा सा चले गया सेवन फाइव और आ, चलो हाँ स्टूडेंट देखिए बच्चों मैंने निकाला था बीस का रीडिंग टेन पॉइंट सेवन सेवन आ, आ गया ये तो मैं एक वैल्यू दिखाया था आप देखिए उसको टोटल रीडिंग बताना है टोटल रीडिंग का फार्मूला लगाइए सो मैं एक वैल्यू बताया था फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ मेन स्केल रीडिंग टोटल रीडिंग को उस टू मेन स्केल रीडिंग मतलब टोटल रीडिंग का मतलब क्या होगा टोटल रीडिंग का होगा ट्वेंटी का ट्वेंटी ऐथ कहाँ लेंगे आप ट्वेंटी ऐथ लेफ़्ट एटीनथ लेफ्ट ओके सो so ऐसा ही अब तो जाएंगे ट्वेंटी ऐथ लेफ़ से लेके राइट तक जाएंगे ऐसे निकालेंगे आपके वैल्यूज़ सही है ना बच्चों ऐसे ऐसे जाइए ऐसे मत जाइए तो so ऐसा जाके तो ऐसा निकालना है आपके वैल्यूज़ चलिए बच्चों मेन स्केल रीडिंग प्लस वेर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट कौन बच्चे जो हम मिस्टेक करते हैं ना क्या करेंगे फर्स्ट सो लिस्ट कॉन को वी एस आर से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव टू एड इट एम एस आर मेन स्केल को ऐड करेंगे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे एम एस आर वी एस आर एड करेंगे लिस्ट कॉन मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा मिस्टेक आ जाएगा यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने ऐसा पूरे रीडिंग ले लिया हमें देखिए बच्चों पूरे रीडिंग ले लिया मैं पूरे रीडिंग ले लिया इधर से इधर इधर पूरा ले लिया देखिए बच्चों मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ मतलब किधर होगा लेफ्ट 20 से लेके राइट 20 पर जगह लेफ्ट से 20 से लेके राइट right ट्वेंटी पर जा रहा हूँ देखिए वैल्यू देखिए इसके अंदर टेन पॉइंट सेवन 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 फाइव सेवन फोर डिक्रीमेंट हो रहे देखिए कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट हो रहे तो आपको अंदाजा होगा तो ये सही रीडिंग सही जा रहा देखिए बच्चों फिर से इधर से देखिए कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग कहाँ तक गया देखिए टेन पॉइंट टू नाइन तक चले गया देखिए इसके अंदर अंतर कितना रहेगा डिफरेंस कितना रहेगा देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे दो तीन, दो तीन दो तीन दो तीन चलते गया और जब भी आप वेरी नियरर टू दिस सेंटर पॉइंट देखिए गैप जो भी बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा तो गैप भी इतना थोड़ा बढ़ते जाएगा देखिए सेंटर में से इधर से इधर अगर जाएंगे तो कंप्लीटली वैल्यू चेंज हो जाएगा देखिए सिक्स से लेके कर फोर चलेगा ये पूरे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लगाना चाहिए आपका ओके वैल्यू अगर निकाल रहे तो खाली निकालना नहीं है हर चीज़ का कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाना चाहिए अब देखिए 10.4 से लेके 10.9 चलिए अभी अभी डी डी के बात करेंगे डी मैंने ये ए ले लिया ये वाला बी ले लिया ये क्या है लेफ्ट साइड रीडिंग लेफ्ट साइड का रीडिंग चलिए रिंग का ट्वेंटी से शुरू करा दो दो लाइन का गैप ले लेके दो दो, दो लाइन का गैप ले लेके ले 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 मैंने पूरे वैल्यू ले ली है सो देखिए लेफ्ट साइड के और राइट साइड के ले लिए द डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या होगा आपको डायमीटर आना चाहिए देखिए ये वाला फर्स्ट रिंग फर्स्ट रिंग का डायमीटर होना है तो लेफ्ट माइनस राइट करना है सेकेंड रिंग का जो होगा आपका लेफ्ट माइनस राइट करना है वही काम करा था मैंने मैंने लेफ्ट का ए ले लिया राइट right का बे ले लिया और लेफ्ट माइनस राइट कर दिया 10.77 से 10.29 कर दिया मैं मेरा वैल्यू आ गया पॉइंट बच्चों ऐसा मैंने कैलकुलेटर पे पूरा वैल्यू कर दिया यहाँ पे ओके लंबी वीडियो होगी इसके लिए मैंने पूरा वैल्यू कर दिया यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने डी वैल्यू ले लिया फिर नेक्स्ट कॉलम होगा अपना डी स्क्वायर का वैल्यू देखिए मैंने कैलकुलेटर ले लिया सिंपल कैलकुलेटर मैंने यूज़ करा और इसका सिंपली स्क्वायर कर दिया जब भी स्क्वायर कर दिया मैं फोर पॉइंट uh, के बाद में फोर वैल्यूस ले लिया मैं ओके कंप्लीटली फोर वैल्यूस ले लिया बच्चों देखिए अभी आर वैल्यू कैसा निकालेंगे आर वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला यूज करके चलिए बच्चों फार्मूला यूज़ करके आपका आर वैल्यू निकालेंगे अभी अभी आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा आर वैल्यू क्या होगा आपका ओके डी एम स्क्वायर और डी एम स्क्वायर मतलब डायमीटर का कौन सा भी एम तरिंग और एन तरिंग ले लीजिए एम रिंग ले लेंगे आप कंसिडर यू हैव टू टेक आउट हियर सपोज मैंने ले लिया फोर्टीन वाला रिंग सो कंसिडर रफली यू टेक आउट मैंने ले लिया ये वाला फोर्टीन वाला रिंग तीन चार नीचे ले लेंगे और ये कलर वाला देखिए मैंने सिक्स वाला रिंग ले लिया फोर्टीनथ वाला ये है ये सिक्स वाला फोर्टीनथ वाला रिंग और सिक्सटीनथ वाला का रिंग का जो भी होगा आपका मैंने ले लिया दो डी स्क्वायर वैल्यू ले लिया मतलब इसका जो वैल्यू होगा ना ये वैल्यू हो, हो गया डी एम स्क्वायर हो गया राइट right? थोड़े ऐसे लिखेंगे डी एन प्लस वन समथिंग वैल्यू समथिंग ओके हम ले लिए डी एम स्क्वायर सो मैंने ले लिया डी एन स्क्वायर मतलब ये वैल्यू ले लिया ये वाला नहीं है ये वाला नहीं है ये हो गया आपका एम ये हो गया आपका एन देखिए बच्चों ये वाला हो गया आपका एम फोर्टीन सिक्स वाला हो गया एन डी एम स्क्वायर जो भी होगा फोर्टीन वाला रिंग का जो डायमीटर स्क्वायर जो वैल्यू होगा यहाँ पे लगाएंगे बच्चों कैलकुलेशन करने में इजी होगा आर इक्व टू डी एम स्क्वायर कितना होगा आपका जीरो पॉइंट वन फाइव टू वन माइनस ओके डी स्क्वायर कितना होगा आपका ज़ीरो पॉइंट जीरो देखिए एक पॉइंट चेंज होगा तो बहुत सा वैल्यू चेंज हो गया आपका ज़ीरो मैंने इसके एक्यूरेसी के लिए पॉइंट के बाद में चार वैल्यू ले लिया अब तीन वैल्यू भी ले लो कोई बात नहीं है आपका चलिए बच्चों सो so, मैंने ले लिया बाई फोर इंटू फोर इंटू लैमटा वैल्यू आपको पता होना चाहिए ओके okay? सो so, दे देंगे वो अगर याद करना पड़ेगा न्यूमरिकल में फाइव एट नाइन थ्री फाइव एट नाइन थ्री इंटू टेन पोव ऑफ माइनस एट सेंटीमीटर में अगर ले लियो मीटर में टेन पोवर माइनस टेन ले लेंगे चलिए बच्चों सो so, मैंने ले लिया आप m माइनस एन की बारी आ गई m की कितनी हो गई 14 माइनस सिक्स कितना हो गया बच्चों 8, 8 हो गया आपका देखिए बच्चों 8 हो गया आपका वैल्यू 8 आ गया तो डिवाइड करिए पहले ये वाला सब ट्रैक्ट करिए उसके बाद में ये वाला मल्टीप्लाई करिए उसके बाद में डिवाइड करिए एक अच्छी बात है कैलकुलेटर में अगर आप डालें तो ये वाला टेन पोवरफ माइनस एट होगा ना ऊपर लेके जाइए कैलकुलेटर में डालने के लिए दिक्कत हो जाएगा तो पहले ऊपर लेके जाइए तो इन टू टेन पोवर प्लस एट हो जाएगा बच्चों बकरी वाला पूरा सब करिए यहाँ वाला मल्टीप्लाई करिए उसके बाद में डिवाइड करिए देखिए मैं बच्चों में कर रहा हूँ मैं आप अपना अपना कैलकुलेटर निकल के करिए मैं कर रहा हूँ जीरो पॉइंट जैसा करूँगा आपका वैल्यू यहाँ पे लिख दूँगा फाइव टू वन माइनस माइनस होगा जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन टू नाइन वैल्यू तब बताऊँगा तो कितना आ गया मेरे पास मेरे पास होगा ज़ीरो पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों तो जीरो पॉइंट ऊपर वाला ज़ीरो सेवन नाइन टू आ गया मेरे पास ओके मैंने टेन टू पॉफ एट तो ऊपर लगा लिया चलिए बच्चों नीचे वाला मल्टीप्लाई करिए फोर इंटू फोर इंटू फाइव एट नाइन थ्री फाइव एट नाइन थ्री इंटू एट्स को मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आ गया ये लंबा चौड़ा वैल्यू आ गया मेरे पास वन एट एट फाइव सेवन सिक्स पूरे वैल्यू नहीं लिखना है दो तीन नहीं लिखना है पूरा वैल्यू लिखना है इन् टेन पावर एट थोड़ा सा करीब लिख लूँगा ये ये टेन पावर एट इधर लिख लूँगा टेन पावर प्लस एट है ये ठीक है बच्चों प्लस एट क्लियरली लिख रहा हूँ मैं तो इन दोनों को पहले डिवाइड करिए मैंने डिवाइड कर रहा हूँ जीरो पॉइंट जीरो सेवेन नाइन टू डिवाइड बाई सीधा सीधा वैल्यू वन पॉइंट वन सॉरी वन एट एट फाइव सेवन सिक्स सो डिवाइड कर दिया मैंने मेरा वैल्यू आ गया फोर पॉइंट वन नाइन नाइन ऐट चार लिख लीजिए उसके बाद में टेन पावर इसको जो आ गया माइनस सेवन ओके सो इंटू ये कितना वैल्यू है अपना जो होगा टेंट पावर ऑफ माइनस एट है एट सॉरी प्लस एट है बच्चों प्लस एट में से माइनस सेवन जाएगा कितना आएगा प्लस वन आएगा तो मैंने लिख लिया फोर पॉइंट वन नाइन नाइन एट इंटू टेन वन मतलब क्या होगा पॉइंट इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा आपका वैल्यू राइट साइड निकलेगा तो आ गया आपका 41.9 इसका मतलब क्या राइटेड हियर फोर्टी वन पॉइंट मतलब नियरली 99 नाइन मतलब नियरली आ गया आपको 42 को मतलब क्या राइटेड हियर रेडियस और रेडिस ऑफ करवेचर दूसरा कलर यूज करूंगा रेडियस ऑफ आप कर्वेचर आपका हो गया 42 देखिए बच्चों 42 सेंटीमीटर है ना भाई सेंटीमीटर यूनिट लिखना भूल नहीं जाना फॉर्टी सेंटीमीटर है आपका चलिए बच्चों आपका आर वैली फोर्टी सेंटीमीटर आ गया कैसा वेरीफाई करना है तो आप क्या करिए आपका जो लेंस रहेगा ना वो वाला आप स्पेरोमीटर पे यूज़ करिए स्पेरीटर पे यूज़ करके आप कैलकुलेट करना मैंने कैलकुलेट कर लिया मेरा वैल्यू 42 टू एग्जैक्टली आ गया सो so, लेंथ बिटवीन लेंथ लेन, लेना चाहिए लेग्स के बीच में लेंथ ले रहे देखिए बच्चों सो so, प्रेस करा और ले लिए करो कितना होगा देखिए तीन लेग्स का जो थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा फ़र्क आएगा इन सेंटीमीटर्स सो so, तीन का लेके एवरेज करना है जनरली तो so, ये एक्जैक्टली फोर सेंटीमीटर है लेफ्ट वाला ये वाला देखेंगे बच्चों कितना होगा फोर पॉइंट फाइव ये वाला फोर पॉइंट फाइव दिखा रहा पॉइंट hmm, फाइव डिफरेंस है ओके okay, ये वाला देखेंगे बच्चों सो so, वो वाला होगा आपका ये वाला होगा फोर सेंटीमीटर फोर पॉइंट वन सेंटीमीटर फोर पॉइंट टू ओके फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट सो कैलकुलेट कर रहे हैं आप फोर पॉइंट फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट फाइव और फोर होगा तो कितना होगा आपका तो कितना आ फोर पॉइंट टू थ्री सो बच्चों फोर पॉइंट टू थ्री आ गया एल वाली एल वाली फोर पॉइंट टू थ्री चलो बच्चों नेक्स्ट तो देखो बच्चों प्लेन ग्लास पे आप स्पेरोटर लगाएंगे और जो H वैल्यू फाइंड आउट पे फिर थोड़ा सा पहले प्लेन वैल्यू ग्लास पे तो निकालना है बाद में कॉन्वेक्स में लिखाना है प्रोसीजर वही है ओके सो so, अब यहाँ से निकालेंगे हम चेक करेंगे कैसा है देखिए बच्चों चेक करेंगे अब इसका जो स्पेरोटर पे हम बता रहे हैं तो इसका हाइट टच होगा तो कैसा मालूम पड़ेगा पेपर लगाना पड़ेगा देखिए बच्चों पेपर लगाएंगे अभी अब छोटा सा पेपर पीस निकालेंगे तो लगाओ देखिए बच्चों लगा रहे देखो सो so, पता चलेगा ये स्क्रू यहाँ पे ग्लास पे टच हुआ नहीं हुआ देखिए टच नहीं हुआ थोड़ा सा फिराऊंगा थोड़ा सा फिराऊंगा थोड़ा सा फिराऊंगा तो सो देखिए बच्चों अभी पेपर जा रहा अभी तो थोड़ा सा मूव करेंगे अभी भी जा रहा थोड़ा सा मूव ओके अभी भी जा रहा देखिए हाँ अभी देखिए बच्चों अभी नहीं जा रहा सो so, अभी भी जा रहा तो इसका मूवमेंट और था बच्चों अभी नहीं जा रहा इसका मतलब अब लेना चाहिए इसके वैल्यू पिच वैल्यू ओके सो so, पिच स्केल और इसका देखिए देखेंगे कितना वैल्यू आएगा आपका ये देखेंगे एग्जैक्टली exactly दिख रहा नहीं फोकस करने की कोशिश करेंगे हाँ यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना होगा आपका देखिए बच्चों हमने प्लेन ग्लास प्लेट का लगा दिया अभी कर पॉइंट का लगा रहे तो कार शेप जो भी होगा ऊपर होगा तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी लगाने की देखिए बच्चों अभी अभी लेंस पे लगा दिए प्लेनो कॉन्वेक्स में लगा दिए और देख रहे हैं आपका चलो एग्जैक्टली सेट होगा इसका वैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे देखिए बच्चों कैलकुलेशन यहाँ पे स्पेरोटर का कितना आएगा देखेंगे स्पेरोटर का नंबर ऑफ ट्रायल्स करिए बच्चों स्पेरोमीटर से आप रेडिस कर्वेचर इसका जो भी है ऑफ कर्वेचर नियरली वैल्यू होगा मैंने पहले बार करा था मेरे को फोर्टी आ गया है एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंटल था फिर से आपके आपको दिखाने के लिए फिर से आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे सार दिखा रहे तो देखेंगे कितना वैल्यू आएगा सो दूसरे सार करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा मैंने करा था, था फोर्टी टू आ गया तो दूसरे सार कर रहे हैं अभी देखेंगे हाँ देखो बच्चों एल वैल्यू मैंने फाइंड आउट करा लेंथ लेंथ बिटवीन द लेग्स लेंथ बिटवीन द लेग्स फाइंड आउट करा था सो ये लेग्स का लेंथ है जो आ गया एवरेज वैल्यू दिखाया था आपको फोर और हेच ग्लास मतलब स्पेरोमीटर आप ग्लास पे लगाइए और यहाँ से आप ये वाला स्केल और ये वाला स्केल यूज़ करके हम कैलकुलेट करे थे देखिए बच्चों कैलकुलेट करे थे तो हमने कैलकुलेट करा तो हमारे को जो मिला था वैल्यू सो वो होगा आपका वन और नेक्स्ट क्या करेंगे आप ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे ले, करोड़ सर्विस ऊपर वाला लेंगे ले ले ले। तो बताया था आपको करोड़ सर्विस ऊपर वाला सो मैंने निकाला सेट कर दिया आप ओके सो सेट करके दिखाए थे जब से दिखाए थे आप इसका वैल्यू जो भी होगा इसका वैल्यू होगा आपको आ गया मेरे को कितना आ गया टू पॉइंट सिक्स थ्री तो ये फार्मूला के अंदर लगा देंगे तो पूरा मिल गया आपको हमारे को फॉर्टी फोर सेंटीमीटर में मिल गया तो कन्वर्शन करिए बच्चों देखिए मैंने कन्वर्शन कर दिया लिस्ट काउंट सो हमने कैलकुलेटर पर डाला ये वैल्यू तो मेरे को मिल गया फोर्टी आ, आ गया तो मैंने ले लिया फॉर्टी आपको जो वैल्यू आया था एक्सपेरिमेंटली कितना था बच्चों आर एक फोर्टी टू आया देखिए बच्चों आ, एक सर, आप एक्सपेरिमेंटली एक करे थे और टेबल के अंदर मैं बोर्ड पे दिखाया था और ये जो स्पेरोटर से आया था 44 फोर नीयरली आ गया वैल्यू देखेंगे हाँ देखें बच्चों मैंने ग्राफ भी निकाला था सो so, ग्राफ किस किस के बीच में निकाला था नंबर ऑफ रिंग्स लिया था मैंने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मारा देखिए ट्रायल मारिए बच्चों दिख जाएगा नंबर ऑफ़ रिंग्स और मैंने आ, जो डी स्कोर होगा पॉइंट में आएगा वैल्यू तो मैंने क्या करा सबके लिए ट्वेंटी फोर ऑफ माइनस टू कामन निकाला और जो वैल्यूज़ हो गए सो so, यहाँ पे पहले फोर एट डाल के करा तो छोटा सा स्केल आ गया मैंने एक यूनिट का दो दो ले लिया मैं टू फोर सिक्स एट ऐसा ले लिया तो लंबा हो जाएगा तो अच्छा पॉइंट्स आ जाएंगे टू के पास ये इतना वैल्यू था मैंने पॉइंट पॉइंट आउट कर दिया यहाँ पे पॉइंट आउट हो गया यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मतलब बच्चे क्या करेंगे इसके सेंटर से ले लीजिए मतलब ये पॉइंट इधर आ गया तो so, ये देखिए दो मैक्सिमम पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो गए मैक्सिमम पॉइंट्स इधर कवर हो गए मैक्सिमम पॉइंट्स आ गए मैक्सिमम पॉइंट्स आ गए मैं थोड़े पॉइंट जो भी इधर इधर हो जाएंगे कोई बात नहीं बच्चों ले लिया मैंने रैंडमली दो पॉइंट ले लिया लाइन के ऊपर कौन से भी दो पॉइंट ये ही पॉइंट लेना बोल के नहीं है आपको कौन सा भी दो पॉइंट ले लिया मैंने इसके वैल्यूज निकाला एम और एन और इसके अंदर सब्स्यूट कर दिया हमें देखिए मैं बच्चों मैंने सब्सूट कर दिया तो फार्मूला में लगा दिया सिक्स बाई फाइव जो भी है ग्राफ से आ गया फोर लैमडा लैमडा वैल्यू लगा दिया तो मैंने मेरे को आ गया फिफ्टी पॉइंट नाइन तो आपको जो भी होगा रेडिस ऑफ करवेचर बाई यूजिंग आपको जो अभी एक्सपेरिमेंट में दिखा था फार्टी आ गया तो फिफ्टी सेंटीमीटर आ गया थोड़ा सा डिफरेंस है तो अगर आप दूसरे दो पॉइंट लेके देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो नियरली वी विल गेट दैट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ओके वहाँ पे भी थोड़ा सा एरर रहेगा नहीं ग्राफ के अंदर भी थोड़ा एरर रहेगा नंबर ऑफ़ ट्रायल्स मारिए आपको नियरली वैल्यू मिल जाएगा आपको रेडी सब कर मतलब मैक्सिमम बड़ा वैल्यू मिलेगा नहीं है आपको ओके मोटा मोटा वैल्यू नहीं मिलेगा डिफरेंस जो भी है थोड़ा एरर मिलेगा आपको तो इतना डिफरेंस मिलेगा ये था ग्राफ का आप बनाने का तरीक़ा आप आप ट्राई करिए बच्चों नंबर ऑफ रिंग वर्सेस डी स्क्वायर का वैल्यू मैंने ट्वेंटी फोर ऑफ़ माइनस टू इसके लिए लिया था मैंने टू फोर अगर टू फोर नहीं लिए ज़ीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो फोर समथिंग वैल्यू यू विल गेट ओके okay, ये निका ये आप ग्राफ के अंदर डालना मुश्किल होगा तो इसमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए ट्वेंटी फोर माइनस टू कामन लिया तो मेरे को टू फोर सिक्स एट ऐसा मिल गया तो इसके लिए मैंने ग्राफ ऐसा निकाल के आखिरी में जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं वहाँ पे ट्वेंटी फोर ऑफ माइनस टू मल्टीप्लाई करा अगर बच्चे ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रॉन्ग वैल्यू आ जाएगा थोड़ा सा ये ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया देखिए बच्चों मैंने ग्राफ से करा था तो मेरा वैल्यू जो भी है फिफ्टी फाइव फिफ्टी आ गया आपको ठीक है फिफ्टी आ गया देखिए बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस आएगा एक्सपेरिमेंटल हम कुछ एरर तो आएगा आएगा तो आप नंबर ऑफ़ टाइम ट्राई करिए नियरली वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे ओके थैंक यू वेरी मच न्यूटर्निंग्स एक्सपेरिमेंट देखिए ट्राई करिए नंबर ऑफ़ टाइम्स